धनबाद मोतिहारी में भी आप समय दिए नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर निकले हैं। आज उनकी यात्रा का यह दूसरा दिन है जिसके दौरान एक तस्वीर निकलकर सामने आई। दरअसल नीतीश कुमार रात में शिवहर से सीतामढ़ी जा रहे थे। इस दौरान उनका काफिला एक जगह पर रुकता है और वहां पर किस प्रकार लोगों का जुटान होता है और किस प्रकार नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगते हैं और ये भी नारे लगते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, क्या कुछ होता है जरा देखिए। भारत पटेल बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो मोतिहारी में भी आप समय दिए देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जिंदाबाद, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार कैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। तो देखा आपने, नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर निकले हैं और शिवहर से सीतामढ़ी जा रहे थे और इसी दौरान मोतिहारी के खड़वा पुल के पास रुके और 10 मिनट तक यहां रुकने के बाद नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनके बीच गए और इस दौरान आपने देखा कि किस प्रकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो काफी जोश में थे, उत्साह में थे और नीतीश कुमार के पुरजोर स्वागत के लिए वहां जुटे भी थे और खूब नारे भी लगा रहे थे। दरअसल कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद शिवहर के लिए निकल गए नीतीश कुमार वहां से और बेतिया से निकलने के बाद अचानक मोतिहारी शहर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम उन्होंने बना लिया, जिसके लिए बंजरिया प्रखंड स्थित खड़वा पुल के पास एनएच किनारे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए स्थान निश्चित किया गया था और यही कारण था कि यहां पर लोगों का जुटान हुआ था। जब नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो क्या नजारा था आपने देखा। तो कुल मिलाकर बिहार में समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार अब जिले में घूमकर ये देखेंगे कि विकास कार्यों के हालात क्या हैं, कितने काम हुए हैं, कितने काम नहीं हुए हैं और इन तमाम चीजों को देखने के बाद नीतीश कुमार जब लौटेंगे यात्रा से तो उस दौरान समीक्षा करेंगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार की यात्रा से निकली ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि लोग इनकी यात्रा से कितने खुश हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।